हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू फिट लाइफ ट्यूबर। दोस्तों, इस एपिसोड में हम उष्ट्रासन यानी कि कैमल पोज सीखने वाले हैं। कैमल पोज की प्रैक्टिस करने से हमारी बॉडी को कई तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि हमारी स्पाइन फ्लेक्सिबल बनती है, हमारी लोअर बैक को भी काफ़ी फायदा मिलता है, हमारी अपर बैक को, हमारे शोल्डर्स को, हमारी नेक को, हमारे हिप्स को, हमारी हैमस्ट्रिंग्स को, यहाँ तक कि अगर किन्हीं लोगों का नेवल हट जाती है तो उसको भी ये सही करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। तो आइए हम सबसे पहले एक हस्त उष्ट्रासन करेंगे, उसके बाद हम लोग उष्ट्रासन करेंगे। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले आप लोग ये वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठने के बाद आप इस तरह से आ जाएंगे घुटनों के बल, और अपने टोस को आप मैट पे इस तरह से रख सकते हैं अगर आप बिगिनर्स लेवल पे हैं। अगर आप एडवांस लेवल पे हैं या आपको और ज़्यादा स्ट्रेच चाहिए और आपकी बॉडी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है तो आप टोस को इस तरह से बाहर भी निकाल सकते हैं। अब चूंकि मैं आप सबको बिगिनर्स लेवल से सुन रहा हूँ तो इसलिए मैं यहाँ टोस जो है मैट पे टिका करके ही मैं प्रैक्टिस करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको जो है एक हस्त उष्ट्रासन करके दिखाऊंगा। इसके लिए दोनों हाथों को कमर पे इस तरह रखेंगे और एक हाथ को एड़ी के ऊपर रख लेंगे और दूसरा हाथ सांस लेते हुए ऊपर उठाते हुए पीछे की तरफ गिरा देंगे, और सिर को पीछे की तरफ रुका देना है और पेट को आगे की तरफ यानी नाभि को आगे की तरफ पुश करना है, और इस पोजीशन में आप 10 से 15 सेकंड अपने आप को रोकेंगे। फिर आप धीरे से वापस आ जाएंगे और फिर दूसरे हाथ से दूसरी एड़ी के ऊपर रख के आप दूसरे हाथ को ऊपर की तरफ उठा करके और बैक बेंड करके रोकेंगे। ये तो ये था एक हस्त उष्ट्रासन। इसके बाद हम लोग उष्ट्रासन करेंगे जिसको हम पूर्ण उष्ट्रासन भी बोल सकते हैं। पोजीशन सेम रहेगी, इसमें हमें दोनों हाथों को पीछे ले जाना है, यानी बायां हाथ बाई एड़ी पर और दाहिना हाथ दाहिनी एड़ी पर जाएगा। इस तरह से ये है, सांस अंदर ले लेना है, इसे भी आप 10 से 15 सेकंड रोकेंगे। अगर आपको ज्यादा स्ट्रेच चाहिए, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी खासी है, तो आप दोनों पैरों के टोस को इस तरह से बाहर निकाल करके और फिर आप जाएंगे तो आपकी बॉडी और ज्यादा झुकेगी।